दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि क्यों मल्टीपल जो इनहेरिटेंस है ये सपोर्ट नहीं करता है जावा, यानी कि जावा के अंदर हम ये मल्टीपल जो इनहेरिटेंस है इसको हम यूज क्यों नहीं करते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं कि जो मल्टीपल यहाँ पे इनहेरिटेंस था इसके अंदर बेसिकली एक क्लास दो क्लास को इनहेरिट कर रहा था, यानी कि एक टाइम पे वो दो दो क्लास को इनहेरिट कर रहा है। इसका मतलब ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है, तो जो कि इस कॉन्सेप्ट को जावा के अंदर सपोर्ट नहीं किया जाता, यानी कि इस कॉन्सेप्ट को अगर यानी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट को आप यूज करके जावा का प्रोग्राम बनाते हैं तो आपका कंपाइल टाइम एरर जनरेट होगा। तो चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है ये जावा सपोर्ट क्यों नहीं करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं ताकि आपको डेमो से आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कि क्यों ये मल्टीपल जो इनहेरिटेंस है ये सपोर्ट नहीं करता है जावा। और यहाँ पे हम मेथड भी बना देते हैं, इन सारे क्लासेस को बंद कर देते हैं फिलहाल। तो ये जो मल्टीपल इनहेरिटेंस की क्लास है इसके अंदर बेसिकली हम करेंगे क्या कि एक यहाँ पे चाइल्ड क्लास बनाएंगे या फिर ऐसे तीन क्लासेस हम बना देते हैं, तो उसमें जो एक क्लास होगी वो बाकी दो क्लासों को एट सेम टाइम इनहेरिट करने की कोशिश करेगी। यही होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी कि एक क्लास क्या करती है वो दो दो क्लासेस को एक साथ एक्सटेंड करने की कोशिश करती है। तो चलिए एक ऐसा सिनारियो यहाँ पे बना के देखते हैं कि कैसे ये जो मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली हम जावा जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होने देता, यानी कि कंपाइल टाइम एरर देता है। तो यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नेम मैं देता हूँ ए, और इसके अंदर मैं एक मैसेज यहाँ पे दे देते हैं सिंपल, हम यहाँ पे लिख देते हैं हेलो। और ऐसे ही हम एक और क्लास बना लेते हैं, क्लास बी, और बी के अंदर भी हम सेम मैसेज रखते हैं, और सॉरी यहाँ पे इसको जरा तरीके से हम कर दें ये हेलो। और ऐसे ही हम यहाँ पे एक और मेथड रख देते हैं जो कि सेम नेम से यहाँ पे बी के अंदर भी है। अब सपोज करिए कि एक क्लास हमने और बनाया सी जो कि एक्सटेंड करेगा ए कॉमा बी को, ठीक है, ये मान लीजिए ये हमने सिनारियो ऐसे बनाया। सपोज करिए कि ये अभी एरर नहीं दे रहा है, सपोज करिए कि ये जो एरर यहाँ पे शो कर रहा है ये अभी नहीं दे रहा है, तो बेसिकली इसके अंदर होगा क्या कि अगर मान लीजिए हम इसका सी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसा कि आपको पता है कि जब ये एक्सटेंड करता है तो ये दोनों प्रॉपर्टी इसके अंदर आ जाएगी, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कि सी के अंदर क्लास सी के अंदर इन दोनों की प्रॉपर्टीज या बिहेवियर जो भी है इसके अंदर आ गया। तो हम यहाँ पे सी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सी सी इक्वल्स टू न्यू देन उसके बाद से सी, तो यहाँ पे सी डॉट हम मैसेज को प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है सी ये किस क्लास का है, ये सी क्लास का है, आप देख सकते हैं। तो सी क्लास के अंदर हमने यहाँ पे मैसेज को कॉल कराया, यानी कि इन दोनों क्लासेस के अंदर जो भी प्रॉपर्टी होगी ये सी के अंदर आएगी। तो आप देख सकते हैं जब ए और बी क्लास दोनों को हम देखते हैं, यहाँ पे ए के अंदर भी मैसेज यहाँ पे मेथड है, बी के अंदर भी मैसेज मेथड है एमएसडी, ठीक है। तो यहाँ पे सी डॉट हम एमएसडी कर रहे हैं, तो ये क्लास जो है ये दोनों को इनहेरिट कर रहा है, इसलिए ये कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर ये इन दोनों में से किस मेथड को कॉल करे। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे वर्डिंग चेंज कर देता हूँ, वेलकम कर देता हूँ इसको, तो यहाँ पे ये जो कॉलिंग हो रही है ये कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा यहाँ पे मेथड कॉल करे, ये क्योंकि दोनों में ही सेम मेथड है और ये दोनों क्लास को इनहेरिट कर रहा है। तो अगर आपके सामने ऐसा कुछ सिनारियो आ जाए तब तो हमारा यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो फेल हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किस मेथड को वो कॉल करे। तो इसीलिए यहाँ पे ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है इसको जावा के अंदर सपोर्ट नहीं किया जाता है। इसके लिए वैसे अलग से यहाँ पे इंटरफेस बनाया जाता है, इंटरफेस के बारे में आगे एक वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे इंटरफेस यहाँ पे वर्क करता है और उसके अंदर हम अचीव कर सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस को, लेकिन दूसरे तरीके से इसको हम यहाँ पे डायरेक्टली जैसे कि दो दो क्लास को हम एक साथ यहाँ पे इनहेरिट नहीं करवा सकते, तो यहाँ पे ये एरर देगा। तो इसको जब हम रन करने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर जनरेट होगा। इसीलिए यहाँ पे जावा के अंदर जो मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है ये सपोर्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको ये पता लग गया कि क्यों यहाँ पे मल्टीपल जो इनहेरिटेंस है ये जावा के अंदर सपोर्ट नहीं होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अगर इस रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।